मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले को रोकने के लिए गृह मंत्री ने बड़ी बात कही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मैरिज ब्यूरो और शादी कराने वाली संस्थाओं को लड़के लड़की के डॉक्यूमेंट्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए। ये काम वे शादी से पहले ही कर लें। उनके पास दोनों पक्ष की जानकारी करीब एक महीने पहले आ जाती है। गृह मंत्री ने भोपाल में आधार कार्ड में नाम बदलकर शादी करने का मामला सामने आने के बाद यह बात कही है। उन्होंने कहा, लव जिहाद रोकने के लिए हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। गृह मंत्री ने गुरुवार को कहा, मैरिज ब्यूरो और शादी कराने वाले संस्थाओं के पास लड़का और लड़की की जानकारी एक महीने पहले आ जाती है। इनके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी पुलिस से बातचीत करना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाली बात पर विचार करना चाहिए। इससे इस तरह की घटनाओं को रोकने में एक कारगर कदम और होगा। भोपाल में दलित छात्र से लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को पंडित बताकर दोस्ती की थी। इस मामले में गृह मंत्री ने कहा कि कार्यवाही होगी। लव जिहाद रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और विवाह की जो भी रजिस्ट्रेशन की संस्थाएं हैं, इसमें नोटरी भी शामिल हो। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने पिछले साल 29 दिसंबर को धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2020 को मंजूरी दी थी। इस कानून के जरिए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही आनंदीबेन पटेल ने इस अध्यादेश को स्वीकृत दी थी। इसमें शादी की आड़ में धोखाधड़ी कर धर्मांतरण कराने पर सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश तीसरा राज्य है जहाँ इस तरह का अध्यादेश लागू किया गया है। लव जिहाद रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाएं हैं विवाह की, इसमें नोटरी भी शामिल है, ये लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें एक महीने पहले आ जाती है तो इसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें पुलिस से बातचीत करनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाली बात पर विचार करना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं रोकने में एक कारगर कदम और होगा।